चर्चा आक्रोश पर हुई थी कि मुनिराज आक्रोश परिचय सहन करते हैं। कोई गाली दे दे, कोई अपमान कर दे, कोई निंदा कर दे, कोई उनके गुणों को अवगुण कह दे, तो भी वो उन पर क्रोध नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका कारण मैंने कल बता दिया था। वचन, आक्रोश किससे किया जाएगा? वचनों के माध्यम से। आक्रोश के वचन होते ना, जब अंदर से क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, है डांट डांट के बोलते हैं और बुराई करके बोलते हैं। ऐसा लगता है कि सामने वाले को मार डालूं। जब आक्रोश आता है तो इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता है, और इस आक्रोश में कभी कभी हिंसा भी हो जाती है। हाँ, बहुत बार है जब एकदम आक्रोश आया और खुद को संभाल नहीं पाया और सामने वाले को ऐसा मारा कि वो मर गया। ऐसी बहुत घटनाएं हैं। तो वाणी को यदि संभाल लिया जाए तो बहुत कुछ संभल जाता है। वैसे देखा जाए तो वचन जो है दो इंद्री से लेके पांच इंद्री के पास तक है। वचन, आप अंतर समझना, वचन और भाषा दो चीज अलग हो गई। वचन दो इंद्री जीव, दो इंद्री लठ कैचुआ, जिनके पास जिह्वा आ गई, जिनके पास मुख आ गया, उनके पास वचन आ गया। अब वचन को वो भाषा रूप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो शक्ति उनके पास है या नहीं है, वो बात अलग है। अब मच्छर है, मच्छर भी तो बोलता है। अरे बोलिए ना, बोलता कि नहीं बोलता है? जब आपके कान के आसपास घूमता है तो आपको भजन सुनाता नहीं सुनाता है? आपको पता चल जाता मच्छर है यहाँ पे है। इसी तरह से छिपकली को कभी बोलते सुना आपने? छिपकली भी बोलती है। कुत्ता को तो आपने सुना ही है, बिल्ली का सुना है, बंदर जो स्थूल स्थूल प्राणी है उनका तो सुना है, लेकिन दो इंद्री से लेके पंचेंद्री के सभी के पास में वचन है, लेकिन वचन को भाषा रूप बनाना केवल मनुष्य के पास में है, या तो देवताओं के पास है या मनुष्य के पास है। नारकियों का मुझे पता नहीं, वो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, वो किस तरह से बोलते होंगे, कौन सी भाषा का प्रयोग करते होंगे, ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं आया है। लेकिन आप इस धरती पर देखिए कि मनुष्य के अलावा भाषा रूप कोई भी नहीं बोलता है। जो जैसा जन्म के साथ में आवाज निकालता है, मृत्यु तक वैसी ही आवाज निकालते हुए मर जाता है। अब कुत्ता है, कुत्ता क्या बोलता है? भौ भौ भौ, गुस्सा करेगा तो भौ भौ, और प्रेम करेगा तो भौ भौ। उसका गुस्सा में भी भौ भौ है और प्रेम में भी भौ भौ है, ईर्ष्या में भी भौ भौ है, और डर लगेगा तो भी भौ भौ है। उसका हर चीज में भौ भौ है। बंदर है, बंदर खिसियाता है, दांत किटकिटाता है, घोड़ा है हिन हिनाता है, बकरी है मिन मिनाती है, है मैं करती है ना, हाँ, और चूहा है वो भी चू 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 करता है, इसलिए उसको चूहा बोल दिया। वो चू चू कर रहा है तो चूहा बोल दिया, चू चू कर रही तो चिड़िया बोल दिया, काव काव कर रहा है तो कौआ बोल दिया, मीठा बोल रही है तो कोयल बोल दिया। तो वचन सबके पास है, लेकिन मनुष्य बड़ा भाग्यशाली प्राणी है कि इस वचन को भाषा रूप परिवर्तित करके अपने भाव को व्यक्त कर सकता है। जैसे अभी मैंने बताया, कुत्ता अपने भाव व्यक्त करेगा तो उसकी भाषा क्या होगी? केवल भौं भौं, उसके अलावा वो शब्द रूप बोल ही नहीं सकता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि अपने भाव व्यक्त करने के लिए उसके पास में भाषा है, और एक देश के पास एक भाषा है, यानी समस्त देशों की भाषाएं भी अलग अलग हैं, और एक देश में भी अलग अलग राज्यों की भाषाएं अलग हैं, और एक एक राज्य में भी एक एक एरिया की भाषा अलग अलग है। आप राजस्थान को ले लो,
राजस्थान में ही जो इस एरिया की भाषा है, झालावाड़ साइड की, कोटा साइड की, वो अलग है, है? यहाँ आठी बठी चलता है, उदयपुर पहुंच जाओ तो अंडे मंडे चलता है, अभी बड़ौत पहुंच जाओ तो इंगे उंगे चलता है, हरियाणा में पहुंच जाओ तो उरे परे चलता है, मतलब यहां वहां दो शब्दों के बताए मैंने केवल, अभी ज्यादा नहीं बताया है। तो भाषा रूप अलग अलग भाषाओं में, अब कर्नाटक का तो हमें पता ही नहीं कि वो बोलते क्या है, मराठी का तो पता ही नहीं कि हम बोलते क्या है, वो हैं एमपी में बोलते इते होते हैं, अब अंग्रेजी में भी बोलते हैं तो वो उनकी भाषा अलग हो गई, बिल्कुल अलग हो गई हमसे। और इसी तरह से आप देश तो कितने, शायद 183 देश, कितने देश हैं पूरे विश्व में, तो 183 देशों में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उन सभी भाषाओं का प्रयोग करके अपने भाव को व्यक्त कर सकता है। भाव तो गिनती के हैं, भाषाएं अनगिनत हो सकती हैं। शास्त्रों में 18 महाभाषा बताई है और 700 लघु भाषा बताई है, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। लेकिन और यदि गिन लिया जाए तो और पता नहीं कहां कहां से कौन कौन, 700 में मेरे ख्याल से सब आ जाएगी, 700 में 700 से ज्यादा नहीं हो सकती है, जितनी भगवान ने बताई है उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है। अब मान लो राजस्थान में 4 तरह की हो गई, 4 तरह की यूपी में हो गई, तो यही मिलाएंगे तो 100 से ज्यादा थोड़ी होगी, और 183 देश हैं, तो लघु भाषा भगवान ने 700 बताई है, तो 700 के अंदर में सारे आ जाएंगे। तो भाषा और लघु भाषा के रूप में परिणत जो है वो केवल मनुष्य ही कर सकता है, अन्य प्राणी नहीं कर सकता है, है? आपने देखा होगा कोई भी प्राणी हो, क्या भाव कितने हैं? 4 और 9 कितने हुए? 13 कितने हुए? 13 13 तरह के भाव आप मुख्य मुख्य मान के चलो, रति हास्य, रति अरति, शोक भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, क्रोध, मान, माया, लोभ। और मानना हो, हालांकि इसमें सारे आ जाते हैं, लेकिन और मानना हो तो हिंसा के भाव, झूठ के भाव, चोरी के भाव, हैं अब्रह्म के भाव और परिग्रह के भाव, हालांकि 4 कषाय में सब समाहित हो जाएगा, लेकिन फिर भी और भेद रूप में समझना चाहें तो भाव तो केवल इतने हैं, इससे अलावा ये पर भाव हैं सारे के सारे। ये कौन से हैं? पर भाव। यदि स्वभाव में आना है तो उसमें भाषा की जरूरत नहीं है, हालांकि चिंतन रूप अध्यात्म में जरूरत है, लेकिन जब एक गहराई में पहुंच जाते हैं फिर वहां भाषा भी काम नहीं करती है। किसी भी भाव के अतिरेक में भाषा बंद हो जाती है। जब ज्यादा क्रोध आता है, तो जब बोलते 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 भाषा खत्म हो जाती है और क्रोध बढ़ जाता है तो फिर हाथ पांव चलने लगते हैं। हाथ पांव कब चले? जब भाषा समाप्त हो गई, क्रोध का आवेग आ गया, अतिरेक हो गया, हैं? थूक देंगे, मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, भाषा खत्म हो गई, अब भाषा में ब्रेक लग गया, अब क्रोध यहीं तक सीमित है, भाषा वाला क्रोध यहीं तक सीमित है, अब जो आगे वाला क्रोध है उसके आगे अब वो व्यक्त करने के लिए भाषा नहीं उसके पास में, इसलिए हाथ पांव चलने लगते हैं, इसलिए बंदूक और गोली चलने लगती है, इसीलिए फिर डंडे और लाठी और कुल्हाड़ी चलने लगती है। तो ये केवल इसमें नहीं, चाहे प्रेम का अतिरेक हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे मान का हो, भाषा वहीं तक सीमित है जहां तक वो विचार रूप है, लेकिन जब अति हो जाती है तो फिर भाषा की इति हो जाती है, तो इस तरह से वचन रूप वर्गणा, केवल वर्गणाओं को भाषा रूप परिणत करना मनुष्य का सौभाग्य है। किसका सौभाग्य है? मनुष्य का सौभाग्य है। अब हमें ये सौभाग्य तो मिल गया,
लेकिन अब हम इस सौभाग्य का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, अब आप ही बताओ इसका सदुपयोग क्या है और इसका दुरुपयोग क्या है। क्रोध करना इसका सदुपयोग है या दुरुपयोग है? अरे बोलिए ना, दुरुपयोग। गाली देना सदुपयोग है या दुरुपयोग है? दुरुपयोग। आप ही बोल रहे हैं। निंदा करना किसी के सदुपयोग है या दुरुपयोग है? दुरुपयोग है। अच्छा, किसी के अपमान के वचन बोलना सदुपयोग है या दुरुपयोग है? दुरुपयोग है। किसी पर व्यंग्य के बाण चलाना वचनों के माध्यम से सदुपयोग है या दुरुपयोग है? अरे बोलिए ना, दुरुपयोग है। अच्छा, तो किसी से द्वेष के वचन बोलना सदुपयोग है या दुरुपयोग है? बोलते जाइए, मैं बोल रही हूँ, आप भी बोलें, आधा मैं बोलूंगी आधा आप बोलें। कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा कि आपको प्रवचन कौन से सुनाने हैं। आप नहीं बोलेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि प्रवचन कौन से सुनाने हैं आपको, किस लेवल के सुनाने हैं। आपको ये पता चल जाएगा मुझे कि आप ये जानते हैं कि इसका ये दुरुपयोग है, इसका मतलब छोड़ दिया होगा फिर तो। अरे बोलिए ना, छोड़ दिया? अच्छा, पूरा छोड़ दिया? अच्छा, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि छोड़ दिया आपने, हैं? क्योंकि छोड़ने की बात की जो स्थिति होती है ना, वो एक ऐसी स्थिति आती है कि सामने वाले पे प्रभाव डाले बिना रह नहीं सकती है। और इंसान कर्म के उदय में ना जाने ना चाहते हुए भी क्या क्या बोल जाता है, जो नहीं बोलना चाहता है वो भी बोल जाता है, हैं? यदि सामने वाले ने कुछ किया आप चुप रह गए, सामने वाले ने कुछ किया आप चुप रह गए, सामने वाले ने कोई गलती करी आप चुप रह गए, हैं? और एक दिन ऐसा आता कि एक दिन आपको गुस्सा आ जाता है, और फिर जिस दिन गुस्सा आता है उस दिन जितनी पिछली होती हैं सारी उल्टी कर देते हो। जितना ये दिमाग में रखा था, तूने पहले ऐसा किया था, उस समय ऐसा कहा था, तेरे को ऐसा करना चाहिए, तूने ऐसा किया था, सभी खट्टी की उल्टी कर देते हो, है ना? तो मतलब कब क्या बोलना है पता ही नहीं चलता है। तुम्हें ट्यूबलाइट जलाना है पंखा चल जाता है, तुम जानते हो, रोज एक ही घर में रहते हो, उसी घर की बटने दबाते हो, फिर भी तुम ट्यूबलाइट जलाना चाहते हो और पंखा चल जाता है, पंखा चलाना चाहते हो और कूलर चल जाता है, ऐसा होता कि नहीं होता? हाथ तुम्हारा, उंगली तुम्हारी, घर तुम्हारा, रोज तुम वही काम करते, फिर भी जो नहीं चाहते वो भी हो जाता है। बताइए कितना सावधान रहते हो। हमारे हाथ में हमारी बटन भी नहीं है जो हम जलाना चाहते हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जिंदगी में कितनी सावधानी की जरूरत है, कहने का अभिप्राय ये है। हम कितनी बेहोशी की जिंदगी जीते हैं, हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं, लड़ाई हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, फिर बाद में पछताते, अरे क्यों बोला, नहीं बोलते तो अच्छा रहता, अरे नहीं बोलते तो अच्छा रहता, ऐसा पछताते बाद में नहीं। तो ये सारी चीजें सब वचनों से होती, प्रेम किससे होता है, वचनों से। कोई अच्छा बोल रहा है तो प्रेम हो गया, किसी ने क्रोध किया तो द्वेष हो गया, किसी ने क्रोध किया और हम उस पर कर सकते हैं तो हमने भी क्रोध कर लिया, नहीं किया तो अंदर ही अंदर कर लिया, छोड़ा तो नहीं, मन में तो कर ही लिया, मन वचन और काय तीन में से किसी एक से भी क्रोध किया तो क्रोध तो कर ही लिया ना। चलो वचन से नहीं किया, अभी जो है धनुष में तीर है, छोड़ा नहीं है, जैसे मन में क्रोध आया और आपने वचनों से नहीं किया तो वो क्रोध कैसा है कि जैसे आपने तीर तो धनुष पे चढ़ा दिया मगर उसको छोड़ा नहीं, तो सामने वाला घायल नहीं हुआ, इतनी बचत तो हो गई, कम से कम मैंने अपने अंदर ही उसे शमन कर लिया। यदि इतना भी आ गया तो समझना आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके, बहुत बड़ी साधना के माध्यम से आपने अपने आप को बहुत अच्छा बना लिया है। और आया और कर दिया मतलब अभी कंट्रोल है ही नहीं आपके पास में, अभी संयम है ही नहीं आपके पास में। पहला संयम कि मन में आया मगर वचन में ना आई, दूसरा संयम कि वचन में भी आ गया मगर काया में ना आई, लेकिन तीसरा संयम
मन में तो आ गया, ना काया में आया ना वचन में आया, सामने वाले को पता ही नहीं चला कि तुम्हें गुस्सा आया भी और चला गया और तुमने अपने आप को समझा लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वचनों को कंट्रोल करने से बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। अच्छे अच्छे भाव तो व्यक्त करने चाहिए और बुरे विचारों को व्यक्त नहीं करना चाहिए। एक और बड़ा लोगों के अंदर है कि कहीं जो कुछ देखते हैं जो कुछ सुनते हैं उसको कहने के लिए तड़फते हैं दूसरे से। जिससे मान लो घर में कुछ हुआ और तुम्हारी पड़ोसन से रोज बात होती है, या मोबाइल पे तुम्हारी बेटी से रोज बात होती है, या बेटी की बात तुमसे होती है, तो जब भी कुछ होगा उसका फोन आ जाए, बस उसको बता दूं मैं सारी बात, उसका फोन आ जाए, और नहीं तो पड़ोसन से बतानी होगी तो फटाफट काम निपटाओगे और वहाँ टाइम से पहुँच जाओगे। आज ना ऐसा हुआ ऐसा हुआ, आज उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, आज मेरी बहू ने ऐसा किया, आज मेरी सास ने ऐसा किया, आज उसने ऐसा किया, ऐसा मतलब जितनी बातें जिनकी चर्चा हम नहीं करते तो काम चल सकता था, लेकिन यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, कितना मजा आता है करने में। अब ऐसा करना वाणी का सदुपयोग है या दुरुपयोग है बताइए? और सारा संसार क्या कर रहा है? ये अभी से नहीं चल रहा है, पहले के समय में जो राजा महाराजा के राजमहल होते थे ना, उनमें भी क्या होता था, वो दास दासी, एक रानी की बात दूसरी रानी के पास, दूसरी रानी की बात तीसरी रानी के पास, इसकी बात उसके पास, वहां भी ये सब चलता रहता था और वो अभी भी चल रहा है। पहले जो हमारे यहाँ भारत में इतने लड़ाई झगड़े हुए, इतने जो अंग्रेजों के हम गुलाम रहे, उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि दो भाइयों में लड़ाई हुई तो एक भाई पहुंच गया अंग्रेज के पास में और सारी कमियां अपने भाई की बता दी, वो अंग्रेज से मिलके और उस पर चढ़ाई कर दिया, अंग्रेज ने उसे तो मार डाला और खुद राजा बन गया। तो ये आपस में लड़ाई झगड़े करवाने में भी बिना वाणी के नहीं हो सकता है, हैं? बिना वाणी के हो सकता है कि किसी की बुराई निंदा चुगली? नहीं हो सकती है। एक बहन जी तो आई मेरे पास, बोले माता जी मेरी एक बहुत बुरी आदत है। मैंने कहा क्यों क्या हो गया? बोले मेरी आदत है इसकी बात उसको कहना, उसकी बात उसको कहना, उसकी बात उसको कहना, और मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने ऊपर, फिर भी ना जाने जब वो सामने आता है तो मेरे मुंह से निकल ही जाती है। तो मैंने कहा फिर? बोले अब वो मैं जिस दुकान में काम करती हूँ वहाँ हम चार पांच जने काम करते हैं, एक ने एक की बुराई मेरे से करी, मैंने उसकी बुराई उसको बता दी, वो दोनों तो एक हो गई और मैं बुरी बन गई। वो दोनों तो एक हो गई और मैं बुरी बन गई। तो बोले ये कैसे छोड़ूं मैं? तो मैंने कहा तुम मौन लेने का शुरू करो, एक घंटा मौन, दो घंटा मौन। मौन लेने से जुबान पर संयम आएगा, जुबान पर कंट्रोल आएगा, और जब सामने कोई व्यक्ति आ रहा है और उस समय तुम्हें बोलना ही नहीं है तो यदि तुम बोलते तो ना जाने क्या क्या कह जाते, और तुमने यदि उस समय मौन रख लिया तो तुम्हारा माइंड काम करेगा, अरे अच्छा हुआ मैंने इससे ऐसा नहीं कहा, अरे अच्छा हुआ मेरा मौन था, बाद में चिंतन चलेगा। यदि वो कह देता तो फिर ऐसी गड़बड़ हो जाती, वो ऐसी हो जाता। तो इस तरह से ये सारी चीजें एक दूसरे की बात एक दूसरे को बताने से, राजनीति में भी इधर तो बात चल रही है, एक एक बीच में आ जाएगा बिचौलिया, और एक तेरे लिए मीटिंग में ऐसा कहा जा रहा है, एक तेरे लिए मीटिंग में ऐसा कहा जा रहा है। अब वो बेचारा शांति से घर में बैठा था, उसको भड़का दिया, आग लगा दी उसके दिमाग में, उसका मित्र था। भाई चर्चा आई है, ठीक है चर्चा हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम फटाफट उसको बता दो। लेकिन मैं कितना भी समझा लूं आपको, लेकिन आप नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, किसी और की बात है। वो कहते ना कि 12 बस पूछ को, अरे सब समझते हैं, इशारा कर दो, ये नहीं, ये सब समझते हैं। और जब निकालेंगे क्यों? क्योंकि हमारे स्वाध्याय में कमी है, क्योंकि हमारे ज्ञान में कमी है, क्योंकि हम ज्ञान का जीवन जीना नहीं जानते हैं, हम अज्ञानता का जीवन जी रहे हैं। और जब तक ज्ञान का जीवन शुरू नहीं होगा, जब तक आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होगा, तब तक ये चीज छूटने वाली
नहीं है। इसके लिए आवश्यक है स्वाध्याय किया जाए, ध्यान किया जाए, चिंतन मनन किया जाए, भगवान की भक्ति भावों से करी जाए, भावों से माला फेरी जाए, फिर देखिए आप कैसा परिवर्तन आता है। ये फालतू की बातें छूट जाएंगी और जो वास्तविक बातें हमें करनी है वो चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये बातें मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, हालांकि कभी कभी याद दिला देती हूँ क्योंकि आप भूल जाते हैं ना, आपको भूलने की आदत बहुत है। कल भी मैंने बताया था कि बुरी बातें तो बहुत याद रहती हैं मगर अच्छी बातें याद नहीं रहती हैं। कल बताया था ना उदाहरण कि शिष्य ने गाली दी सभा में, तो वो गालियां तो याद रही और उस प्रवचन में क्या सुनाया था वो याद नहीं रहा। तो बंधुओं, वचनों का व्यापार है संसार में, क्या चल रहा है, वचनों का व्यापार चल रहा है। व्यापार किसे कहते हैं, जिसमें लेना और देना होता है। ग्राहक ने पैसे दिए तो दुकानदार ने सामान दे दिया, व्यापार इसको ही तो कहते हैं, लेना और देना। तो जैसे वो व्यापार किया जाता है ऐसे ही वचनों का व्यापार होता है। कोई आपसे मीठा बोले तो आप भी उससे मीठा बोल लेते हो, कोई आपसे जैज्ञानेंद्र करे तो आप उससे जैज्ञानेंद्र कर लेते हो, वो आपसे ना करे तो आप भी अच्छा मैं ही रोज रोज करूं क्या, उसको भी तो करना चाहिए, वो मैं छोटा कब बन के कब तक रहूं। हाँ, वो भी तो कर सकता है जैज्ञानेंद्र, ये क्या बात हुई कि मैं ही करूं। व्यापार एक बार दिया, दो बार दिया, वापिस नहीं मिला, बंद। व्यापार किसे कहते हैं, जिसमें लेना और देना हो। वो तुम्हारी बुराई करेगा तुम उसकी बुराई करोगे, व्यापार है। उसने तुम्हें गिफ्ट दी तुमने उसे गिफ्ट दे दी, व्यापार। उसने तुम्हारी प्रशंसा करी तो तुमने उसकी प्रशंसा कर दी, व्यापार। यानी वाणी का व्यापार चल रहा है। तो आप जब किसी ग्राहक को सामान देते हैं और उससे पैसा लेते हैं तो दिमाग सावधान रहता कि नहीं रहता है, दिमाग अटेंशन में रहता है कि नहीं रहता है, दिमाग बिल्कुल सावधान, नोट गिनते हैं, साथ में नजर भी रहती है, इस पे भी नजर है, सही नोट भी गिनना है, कोई सामान उठा के न ले जाए वो भी देखना है, और माल कौन सा देना है वो भी देखना है, कोई ग्राहक कैसा है उसको कैसे डील करना है वो भी देखना है। यदि कोई बड़ा ग्राहक आया है और वो थोड़ा कड़वा भी बोल रहा है तो शांति से बात करते, कोई बात नहीं, बड़ा सा लग रहा माल अच्छा ले जाएगा है, तो बड़े प्रेम से बात करते हैं, वो कड़वा भी बोल रहा है तो गुस्सा नहीं करते हैं। तो जो सावधानी आप उस व्यापार में बरतते हैं वही सावधानी वाणी के व्यापार में बरतनी जरूरी है। वहां यदि गड़बड़ होता है तो नोट का घाटा पड़ता है, पैसे का घाटा पड़ता है, लेकिन यहां यदि वाणी के व्यापार में गड़बड़ होती है तो यहां पर आपको टेंशन भुगतनी पड़ती है जो नोटों से ज्यादा कीमती है। भाव बिगड़ते हैं, परिणाम बिगड़ते हैं, रिश्ते खराब होते हैं, प्रेम खत्म होता है, हैं? आपस में एक दूसरे का असहयोग करने लगते हैं, जितना पहले सहयोग था वो करने लगते हैं। तो वाणी का व्यापार लापरवाही से कर रहे हैं और नोटों का व्यापार सावधानी से कर रहे हैं। जबकि वाणी का व्यापार अच्छा हो तो नोटों का व्यापार तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। वाणी जितनी खराब करोगे उतने रिश्ते खराब होंगे, और जितने रिश्ते खराब होंगे उतनी टेंशन ज्यादा रहेगी, और जितनी टेंशन ज्यादा रहेगी उतना व्यापार में मन कम लगेगा, और जितना व्यापार में मन कम लगेगा उतना पैसा कम आएगा। तो बात कहाँ से शुरू हुई, वाणी से। इसीलिए मन में यदि वाइस चांस आपको गुस्सा आ भी रहा है, आप व्यक्त मत करो, मत बोलो गुस्से की बात, गुस्से में मत बोलो। यदि गुस्से की बात गुस्से में बोलोगे तो वापस गुस्से ही आएगा, फिर प्रेम लौट के आने वाला नहीं है। हाँ, हालांकि कभी कभी दवाई के रूप में करना पड़ता है, भाई छोटे हैं, बच्चे हैं, बिगड़ रहे हैं, सामने वाले को यदि नहीं डराया जाएगा तो वो दवाई के रूप में क्रोध है। जैसे जहर है, जहर जो है जब दवाई बना के दिया जाता है तो वो जीवन देने का काम करता है, और जहर को यदि साक्षात ले लिया जाए तो वो मृत्यु देता है, ऐसे ही क्रोध है। यदि इस क्रोध को दवाई के रूप में किया जाए तो ये अनुशासन बनाता है, और इस क्रोध को यदि क्रोध के रूप में किया जाए तो ये जहर का काम करता है।
तो वाणी के व्यापार में आवश्यक है कि मान लो उसने आपको 500 रुपए की गिफ्ट दी, तो आप उसको कितने की दोगे? 600 की तो दोगे ना? हाँ, वो 500 के लिए क्या था, उससे बढ़ा के ही देना, कम थोड़ी देना है, है? अच्छा, कोई आपसे यदि दो बात अच्छी कहे और एक बात गड़बड़ बोल दे, अब आप उसे वापस क्या करोगे? गड़बड़ वाली बात वापस करोगे या उसकी मीठी वाली बात का जवाब दोगे? गड़बड़ वाली का। तो इसका मतलब क्या हुआ है? किसी ने आपके साथ में 99 अच्छे काम किए, अच्छा उपकार किया आपके ऊपर, लेकिन एक काम आपके लिए गलत कर दिया, आप उससे संबंध बना के रखोगे, तोड़ोगे, खत्म कर दोगे? क्यों? उसने 99 अच्छा किया, उसको भूल जाओगे आप? उसके 99 को याद रखोगे तो संबंध बना रहेगा, और एक को याद रखोगे तो संबंध टूट जाएगा। तो संसार में यदि जिंदगी को अच्छा बनाना है तो वाणी को अच्छा बनाना आवश्यक है, और यदि वाणी कमजोर हो गई, वाणी में निकृष्टता आ गई, वाणी में असभ्यता आ गई, वाणी में तू तड़ाक आ गया, वाणी में गालियां आ गई, वाणी में निंदा बुराई आ गई, बस वहीं से जीवन के दुख की शुरुआत हो जाती है। तो बंधुओं, आक्रोश वचन, कोशिश करें कि आक्रोश वचन बोले ना, और बाई चांस बोल भी दिया है और फिर सामने वाले ने आपको जो वापिस किया है, तो फिर आप उसको लेने की हिम्मत भी रखें। यदि सामने वाले ने वापिस दिया है तो उसे लेने की भी हिम्मत रखें, उस क्वालिटी को जाने कि मैंने इसको क्या दिया है, वो किस क्वालिटी का था, फिर इसने मुझे क्या दिया है, वो किस क्वालिटी का था। यदि पता चलेगा, बाद में चिंतन करोगे कि मैंने ज्यादा क्वालिटी वाला दे दिया उसको, वो तो बेचारा फिर भी कुछ नहीं बोला, वो तो कम ही बोला, मैं ही ज्यादा बोला, आपको दया आ जाएगी। और अपनी तो भूल जाते कि मैंने क्या गुस्सा किया, मैंने क्या क्या बोला, सामने वाले की याद रखते हो, बस वही लड़ाइयां बढ़ जाती है। तो आक्रोश के वचन, आक्रोश के वचन कोशिश करें, क्योंकि आक्रोश के वचन बहुत हिंसक होते हैं, बहुत हिंसक होते हैं, जो स्वयं के आत्मा के भावों की हिंसा करते हैं और साथ में सामने वाले के भावों की भी हिंसा करते हैं। इसमें दोनों की भाव हिंसा हो रही है, और भाव हिंसा जब बढ़ जाती है तो फिर द्रव्य हिंसा बन जाती है, और फिर जब द्रव्य हिंसा हो जाती है तो पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो इसीलिए अपने वचनों को, अपनी वाणी को वीणा बनाएं। यदि वाणी अच्छी है तो घर और परिवार में शांति अपने आप आ जाएगी, स्वर्ग बन जाएगा। और स्वर्ग में जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन वाणी के माध्यम से यही स्वर्ग बना के इसी स्वर्ग का उपभोग करो तो ज्यादा अच्छा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो आज से क्या करना है? वाणी का दुरुपयोग करना है कि सदुपयोग करना है? वाणी को व्यापार, व्यापार ही है, जैसा दो वैसा लो, प्रेम से बोलो, प्रेम से लो, लेकिन हर समय नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार में 5 उंगलियां हैं, हाथ में 5 उंगलियां हैं ना, तो संसार में 5 तरह के लोग हैं, 5 तरह के लोग हैं। अब सारे लोगों को यदि एक ही गिनती में ले लेंगे तो संसार चलने वाला नहीं है। तो संसार चलाने के लिए जैसे छोटे और बड़े, यदि मान लो हाथ की उंगलियां 5 उंगलियां एक बराबर की हो जाएं, 5 उंगलियां, आप कुछ काम कर सकते हो, सामान उठा सकते हो, पेन पकड़ सकते हो। अब 5 उंगलियां बराबर की होगी, पेन कैसे पकड़ोगे, लिखाई कैसे करोगे, क्योंकि 5 बराबर की है। तो संसार की व्यवस्था छोटे बड़े से ही बनती है, और छोटे बड़े का भेद खत्म करके यदि संसार को हम एक करना भी चाहेंगे तो यहाँ पर अराजकता फैल जाएगी, सारी व्यवस्था भंग हो जाएगी। बड़ा बड़ा है और छोटा छोटा है, यदि ये भाव अपने अंदर में रहेंगे तो फिर हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, और जब मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा तो अनुशासन बना रहेगा, और अनुशासन रहेगा तो फिर लड़ाई झगड़े अपने आप ही कम हो जाएंगे।
हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे, अपने फर्ज को समझे और जैसा उसे करना वो वैसा कार्य करे, तो निश्चित है कि फिर लड़ाई झगड़े होने वाले नहीं है। तो वाणी के व्यापार में सावधानी उतनी रखें जितने धन के व्यापार में रखते हैं। बहुत सावधानी से बोलें, सामने वाले से कितना बोलना है, क्या बोलना है। जैसे तिजोरी खोलते हो तो तिजोरी में कितना धन निकालते जितनी जरूरत होती, ऐसे मुख से उतनी ही वाणी निकालें जितनी जरूरत हो, है ना। मंदिर में जिन वाणी का महिलाओं में साड़ी का और बोलने में मीठी वाणी का सप्ताह में वार का, शास्त्रों में समय सार का और वाणी के व्यापार का जाने में अपवर्ग का, गोत्र में गर्ग का और यही अपने घर को बनाने में स्वर्ग का, पानी में खोलने का, बनिया में तोलने का और सावधानी से बोलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके जहाज पर आने का। बोलिए चौबीसों भगवान की। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। दुख से है व्याकुल करे मोके सताए, करे मोके सताए। अरे हंत देव स्वामी निजी कर्म काट करके आप से ते हो गए हो, निजी कर्म काट करके आप से ते हो गए हो। तारण तरणे तुम्ही हो जिन वाणी बताए, जिन वाणी बताए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। शक्ति है तुझ में सी कर्म काटने की, शक्ति है तुझ में से कर्म काटने की। छोड़ कर तुम्हें हम किसकी शरण जाए, किसकी शरण जाए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। मझधार में पड़ी है प्रभु जी नाव मेरी, मझधार में पड़ी है प्रभु जी नाव मेरी। भव पार तुम लगा दो आस लेके आए, आस लेके आए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। जय जिनेन्द्र बंधु। परम पूजनीय गणनीय करत्न स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय प्रेरणा से स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनीश्वर नाथ भगवान के पावन जिन मंदिर में 40 दिन महा अनुष्ठान होने जा रहा है। आने वाली 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक बंधुओं अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में एक दिन का चालीसा करवाएं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आपने पढ़ा है चालीसा 40 दिन पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्य ज्ञान। बंधुओं यहाँ पर 40 दिन तक लगातार
प्रतिदिन 40-40 बार चालीसा का पाठ होगा और वो भी मुनीश्वर नाथ भगवान के समक्ष होगा। तो बंधु उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपका नाम बोला जाएगा, आपके नाम से यहाँ पर विधान होगा और चालीसा का पाठ होगा 40 बार। तो ऐसा सौभाग्य हमको पूज्य माता जी ने प्रदान किया है। कोरोना महामारी चल रही है, अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि को नष्ट करने हेतु सुख शांति हेतु एक दिन का चालीसा और विधान के पुण्यार्जन बने। आप अपनी सूचना यहाँ पर दे सकते हैं। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजग्रही में जन्म लियो आप, राजग्रही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।